सो गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी लोन वुल्फ में फाइनली रैंक मोड आ गया है और आप लोग अभी लोन वुल्फ में भी अपना रैंक पुश कर सकते हो। और गाइस, मेरे को तो पर्सनली लोन वुल्फ मोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, मतलब 5-6 मिनट में एक गेम खत्म हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ओपी लगता है। और गाइस, आप लोग इधर 1v1 का प्रैक्टिस या फिर 2v2 का प्रैक्टिस आप लोग इजिली कर सकते हो। और अभी तो रैंक मोड भी आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये खेलने में। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को 1 नहीं 3 नहीं 5 नहीं टोटल मैं आप लोग को 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको यूज़ करने के बाद आप लोग लिटरली हर एक लोन वुल्फ मैच जीत जाओगे। और मैं आप लोगों को सोलो के लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और डुओ के लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स बोला हूं ना कि आप लोग लिटरली हर एक मैच आप लोग जीत जाओगे। सो यार, एक लाइक तो जरूर से बनता है। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना। और गाइस, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, मुझे पता नहीं क्यों यूट्यूब मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है, मतलब आप लोगों के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंचा रहा है। भाई, यूट्यूब के सस्ते नशे आजकल इतना ज्यादा बढ़ गए ना कि क्या ही बोलूं। आप लोग ना एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो पहुंचे। और गाइस, इस वीडियो में एक ओपी सा बोनस ट्रिक भी है, तो गाइस चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो फर्स्ट नंबर टिप है वो है, देखो मैंने ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं जो ये आइस ग्रेनेड है ना एकदम स्टार्टिंग में ही फेंक देते हैं। देखो मैंने जैसे इधर किया, मतलब एक आइडिया करके फेंक देते हैं कि उधर बंदा हो सकता है और वो बंदा पहले ही डैमेज खा जाए। पर आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग को ये आइस ग्रेनेड बचा के रखना है। जब भी आपको लगे कि हाँ इधर बंदा है, अभी मैं फेंकूंगा तो बंदा डैमेज हो सकता है, तभी आप लोगों को फेंकना है। वरना भाई, स्टार्टिंग में फेंकोगे तो मतलब 99% आप लोगों का नहीं लगेगा और आपका आइस ग्रेनेड पहले ही बेकार चला जाएगा। गाइस, जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है, देखो जब भी आप लोग 1v1 कर रहे हो लोन वुल्फ में और ओपोनेंट में बहुत ज्यादा एक तगड़ा प्लेयर आ गया, मतलब आप उसको हरा ही नहीं पा रहे, वो बंदा आपको हर एक राउंड में हरा दे रहा है, तो तब आप लोगों को क्या करना है, एकदम क्राउच करके उसको मारना है। देखो, जब भी आप लोग क्राउच करके उसके पास जाओगे ना तो उसके पास आपका फुटस्टेप ही नहीं आएगा और आप लोग इजीली उस बंदे को मार सकते हो और अपना मतलब रैंक पुश भी इजीली कर सकते हो, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ। देखो, मैं एकदम क्राउच करके उसके पीछे भी आ गया और उसको पता भी नहीं चला, तो ऐसे करके आप लोग इजीली बंदे को मार सकते हो। और ये क्राउच करके मतलब देखो, जब आप लोग राउंड हार रहे हो तभी आप लोगों को करना है, वरना नॉर्मली भाई 1v1 करो। अगर बाय चांस आप लोग लगातार राउंड उस एनिमी से हार रहे हो तो तब आप लोग ये क्राउच करके उसको मार सकते हो इजीली। गाइस, जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है, देखो कुछ कुछ ऐसे मैप होते हैं जहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग में ही बंदे को मार सकते हो। जैसे देखो इधर, मतलब स्कोप करके मैं बंदे को मार दूंगा, मतलब देखो स्टार्टिंग में ही भाई ग्लोजा से बंदे को मार दूंगा, तो मतलब आप लोग को ध्यान रखना है जब भी आपका ये मैप आए जहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग में ही बंदे को मार सकते हो, आप लोग स्टार्टिंग में ही बंदे को मार देना है। और इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में ही बंदा मर जाएगा और आप लोगों को भाई कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। जैसे एकदम स्टार्टिंग में ही भाई AWM से उड़ा दिया बंदे को। सो गाइस, चलो मैं अभी आप लोगों को बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ लोन वुल्फ के लिए, जो लोन वुल्फ में सबसे ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को स्काइलर लेना है। स्काइलर क्यों, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आपके पास अगर स्काइलर नहीं है तब आप लोग वुकोंग ले सकते हो, फिर आप लोगों को लेना है एंटोनियो, फिर आप लोगों को लेना है हायातो, लास्ट में आप लोगों को मोको लेना है। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भाई बेस्ट है। और पेड में से अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो तो सोलो के लिए भाई बीस्टॉन बेस्ट है, और अगर आप लोग डुओ खेल रहे हो तो डुओ के लिए भाई पांडा बेस्ट है, क्योंकि एक बंदे को अगर मारोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक 10 HP बढ़ जाएगा। अब मैं आप लोगों को स्काइलर लेने के लिए क्यों बोल रहा था मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि देखो ये जो लोन वुल्फ का जो मैप है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर कोई बंदा ग्लू वॉल लगाएगा तो आप लोग स्काइलर लेके भाई इजीली उसको मार सकते हो, मतलब ग्लू वॉल लगाएगा तो आप लोग स्काइलर का रेज छोड़ के उसका ग्लू वॉल फूट सकते हो और फिर आप लोग इजीली मतलब मार सकते हो, जैसे मैं इधर कर रहा हूं। और दूसरा, मतलब जब भी आप लोग ग्लू वॉल लगाओगे तो आप लोग का ऑटोमेटिक हेल्थ बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए भाई स्काइलर बेस्ट है। और हाँ, बाकी आप लोग अभी लोन वुल्फ में कौन सा रैंक में हो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। गाइस, जो फिफ्थ नंबर टिप है वो है, देखो जब भी आपका गन कॉम्बिनेशन चूज करने का वक्त आता है तो तब आप लोगों को क्या गन कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मेरा मानो तो तब आप लोग मतलब एक AWM और एक मतलब शॉटगन ले सकते हो, भाई काफी ज्यादा हेल्प करेगा। देखो, AWM से एक शॉट मारोगे तो बंदे का तो हाफ से ऊपर हेल्थ तो ऐसे ही उठ जाएगा, और फिर अगर आप लोग एक शॉटगन का टच करती है तो भाई ऐसे ही बंदा मर जाएगा। जैसे देखो, मैं इधर AWM से एक शॉट मार दिया हूं और देखो भाई M10 से एक गोली भाई मारा, बंदा ऐसे ही नॉक हो गया। तो आप लोग ये गन कॉम्बिनेशन ले सकते हो, वरना आप लोग M1887 और MP40 भी यूज कर सकते हो। गाइस, जो 6 नंबर ट्रिक है ये देखो सबसे ज्यादा आप लोग को हेल्प करेगा, कि देखो मतलब कभी कभी होता है ओपोनेंट में बहुत ज्यादा तगड़ा प्लेयर एक आ जाता है जो आप लोग को एकदम बुरी तरह हरा रहा है, मतलब आप लोग उससे जीत ही नहीं पा रहे हो एक राउंड, मतलब उसका 4 स्कोर है, आपका 0 स्कोर है, आप लोग एक भी राउंड नहीं जीत पा रहे हो, तो उसी टाइम में आप लोग को कैसे कमबैक करना है। देखो, आप लोग तो होप छोड़ देते हो कि वो मैच मेरे हाथ से गया, पर गाइस देखो आप लोग इजीली कमबैक कर सकते हो। जैसे मैं इधर दिखा रहा हूँ, देखो आप लोग जैसे देखे मेरा 0 स्कोर था, उससे मैं
कैसे कम बैक कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है ना, एकदम मतलब एक कवर पे छुप के रहना और अपना पोजीशन एनिमी को जानने मत देना। और गाइस आप लोग देखो इजीली जीत जाओगे भाई, बंदा आपके ऊपर रश जब करने आएगा उसको तो आपका लोकेशन पता नहीं होगा, तो तब आप लोग भाई इजीली उस बंदे को मार सकते हो और भाई कते इजीली आप लोग कम बैक कर सकते हो। जैसे मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, देखो ये मैच आप लोग देखे थे मतलब मेरा जीरो स्कोर था उसी से देखो 4-4 हो गया। और गाइस देखो मैं फाइनली इसको हेडशॉट मार के कैसे कम बैक कर लिया। सो कम बैक करना बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा छुप के रहना है और एनिमी को सरप्राइज अटैक करना है। सो गाइस जो 7 नंबर टिप है वो है देखो आपको ना ऑलवेज हेडफोन का यूज करना है, मतलब जब भी आप लोग लोन वुल्फ खेलने बैठ रहे हो आपको ऑलवेज हेडफोन का यूज करना है, क्योंकि देखो मतलब हेडफोन अगर पहनोगे तो बंदे का फुटस्टेप आप लोग को आ जाएगा पहले ही और आप लोग इजीली बंदे को मार सकते हो। गाइस चलो मैं अभी आप लोग को डुओ में कैसे आप लोग हर एक मैच जीत सकते हो लोन वुल्फ में अभी मैं आप लोग को वो बता देता हूँ, क्योंकि डुओ में अगर आप लोग किसी दोस्त के साथ मतलब रैंक पुश कर रहे हो लोन वुल्फ में तो दोस्त के साथ खेलोगे काफी ज्यादा मजा आएगा, तो डुओ का भी मैं बता देता हूँ। बट उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना, और गाइस एक लाइक भाई जरूर से कर देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो गाइस इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। सो गाइस देखो मैं अभी आप लोगों को डुओ में बेस्ट स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, तो देखो आप लोगों को क्या करना है ना, एक बंदे को रश में भेजना है और एक बंदे को कवर देना है। सो ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रेटेजी की, एक बंदा रश करेगा और जो दूसरा बंदा है वो पीछे से उसको कवर देगा। सो जो दूसरा स्ट्रेटेजी है वो है दो बंदा ही रश करेगा। देखो आप लोग में से अगर दो बंदा ही अच्छा रशर है तो आप लोग ये स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो कि एकदम स्टार्टिंग में भाई दोनों बंदा ही घुस के रश करके मार देगा सामने वाले बंदों को। गाइस जो 9 नंबर ट्रिक है वो है देखो जब भी आप लोग डुओ खेल रहे हो और आपका टीममेट अगर मर जाता है मतलब आप लोग 1v2 सिचुएशन में आ जाते हो तो तब आप लोगों को वो राउंड कैसे निकालना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग वो राउंड इजीली जीत सकते हो पर आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो आपको ट्राई करना है कि एक एक करके बंदे को मारने के लिए, क्योंकि अगर दो बंदा ही आपके ऊपर रश कर देगा तो आप लोग तो संभाल नहीं पाओगे ना, और बाई चांस अगर दो बंदा ही आपके ऊपर रश कर दिया तो तब आप लोगों को क्या करना है उस जगह से भाग जाना है। और इस मैप में तो बहुत सारा कवर लेने का जगह है, मतलब इधर उधर से भाग जाओगे और बंदे को पता भी नहीं चलेगा, फिर आप लोग एक एक करके मार सकते हो। और आप लोगों को कभी भी पैनिक नहीं होना है, आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को मतलब एक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि मैं दो बंदे को मार सकता हूँ। जैसे इस राउंड में मैं 1v2 फंस गया था और ये राउंड में कैसे निकालूंगा देख लो, मतलब इजीली ये राउंड मैंने निकाल लिया। गाइस आज का जो लास्ट टिप है वो है देखो आपको ना हेडशॉट मारना आना चाहिए, क्योंकि लोन वुल्फ में अगर आप लोग सामने वाले बंदे को हेडशॉट नहीं मार पाए ना तो वो वाला बंदा ही आप लोगों को मार देगा। सो इसीलिए आप अपना सेंसिटिविटी को पूरा 100 कर दो, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ मतलब रेड डॉट 2S को मतलब सबको 100 कर दो, काफी ज्यादा अच्छा आपका हेड लगेगा। और बाकी मतलब बेस्ट हेडशॉट सेटिंग के लिए आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता देना। गाइस आज का जो बोनस ट्रिक है वो है देखो आपको ना हर एक गन चलाना आना चाहिए, क्योंकि देखो आपका जब टर्न हुआ गन चूज करने का तो आप लोग तो अपना फेवरेट गन चूज कर लोगे, बट जब एनिमी का टर्न आएगा गन चूज करने का और वो जो गन चूज करेगा वो अगर आपको चलाना नहीं आता तो आप लोग भाई वैसे ही हार जाओगे। सो इसलिए जो गन आप लोगों को चलाना ठीक तरीके से नहीं आता वो गन लेके आप लोग ट्रेनिंग में थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर लो। और बाकी गाइस थैंक यू इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए मेरे को। और गाइस 100K के बाद ना मेरा फेस रिवील Q&A भी आएगा, तो भाई तैयार है ना सबको। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना, और ये वीडियो भाई एक दोस्त के साथ जरूर से शेयर कर देना। और आपको अगर अपना लेवल बढ़ाना है तो राइट वाली वीडियो देखो, वरना आपको अगर अपना प्रोफाइल यूनिक बनाना है तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर से देख सकते हो।